हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी का दोस्तों थर्ड नंबर चैप्टर का दोस्तों आज क्रैश कोर्स का एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जो कि इस चैप्टर से अक्सर दोस्तों एक या दो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आते हैं दोस्तों। देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नहीं दोस्तों, आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा आप लोग अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहते हो तो। एकदम जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बने दोस्तों उन सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा दोस्तों, या क्रैश कोर्स के अंतर्गत दोस्तों या थर्ड नंबर चैप्टर आप लोगों का हिंदी का, ठीक है। आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, यानी कि पिछली बातों को दोस्तों आप लोगों को दोहराया जा रहा है, याद कराया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों आप लोग को रिविजन होना जरूरी है, ठीक है। इसमें कुछ नए भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग एक दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना है, क्या सूचना दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों 5 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन देने का मैंने दोस्तों जिक्र किया था, ठीक है ना। फिजिक्स का वो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। आज मैं दोस्तों आप लोगों को जो था चुंबकीय क्षेत्र के जो होता है बाह्य स्वर्ज का जो अनुप्रयोग होता है उसी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। आज का 8वें क्लास में जो दोस्तों पिछले बार सेंट अप एग्जाम में पूछा हुआ था, इस बार भी आप लोगों को हो सके तो पूछ देगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, देखना, ठीक है ना। स्टार्ट नहीं हुआ, 8 बजे स्टार्ट होगी। चलो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करा कि जयप्रकाश नारायण की रचना कौन सी है। देखिए जयप्रकाश नारायण की दोस्तों रचना कौन सी है बताइए आप लोग, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन, एकदम पहले में कई बार बता दिया हूँ। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति क्या दोस्तों, भाषण है, ठीक है ना। विशेष ज्ञान देते हुए चलूंगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। जयप्रकाश नारायण की जो रचना है दोस्तों क्या है, संपूर्ण क्रांति है, जो कि दोस्तों भाषण देखे कब कब एग्जाम पूछा जाता है, 2021 के एनुअल एग्जाम 2013 के एग्जाम में। आप लोगों को पहले से आंसर पता हो दोस्तों तो आप लोग चैट में आंसर दीजिएगा, इससे आप लोगों को दोस्तों मैनुअल बनेगा, जिस साल आप लोग और भी मेहनत करोगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है। देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन आप लोगों को देख रहे होंगे, लेकिन कोई ऑप्शन आप लोगों का सही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो है बाउल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाउल होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे दोस्तों आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण के दोस्तों बचपन का नाम क्या था, बाउल था, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बाबुल लिखा गया, मिंट प्रिंसिंग हो गया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो बाबुल होगा। इनकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बाबुल हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम, ठीक है, बचपन के नाम। चले नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, आप लोग आर्ट्स में पढ़ोगे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप लोग का हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण का दोस्तों चैप्टर है, ठीक है ना, सब उनका इसमें नहीं रहेगा। तो आप लोग सोचिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग बता सकते हो, जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब होते। चलिए बहुत ही 1974 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए वाला स्टूडेंट बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आप लोग का थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग दोस्तों जो है ना तैयो क्लास कीजिए, क्योंकि आप लोग को दोस्तों ज्ञान से भर कर कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए बहुत ही अच्छा, 1974 ईस्वी में हो जाएंगे दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों छात्र आंदोलन का क्या कहते हैं, नेतृत्व किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है ना। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी क्या दोस्तों, पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। एक दोस्तों रिट्रैक्शन इंडियन पॉलिटी दोस्तों पुस्तक है या किसके द्वारा लिखा गया। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों देखिए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा है, जेपी नारायण के द्वारा लिखा गया दोस्तों। एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग को एक बात बताओ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में रहेंगे। अगर इनके जन्म की बात करते 11 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों जन्म, ठीक है ना, 1902 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए दोस्तों, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग को पक्का इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगी। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी के इनका दोस्तों क्या होता, जन्म हुआ था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। मतलब तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, देखिए पूछा भी गया है एग्जाम में, तो बता सकते हो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, संपूर्ण क्रांति जो लिखे हैं दोस्तों, जो भाषण दिया है जयप्रकाश नारायण जी दिया है, कौन है दोस्तों, नारा किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, एकदम बहुत ही अच्छा। चलिए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, ये भी दोस्तों जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, एकदम जो भाई क्वेश्चन को थोड़ा घुला फिला करके पूछ दिया दोस्तों, देखिए 18 + 7 वही दोस्तों क्वेश्चन को घुला के पूछ दिया 18 में, ठीक है ना। तो आप लोग को भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आप लोग को घूलना नहीं है, आप लोग मेहनत करते हो। चलिए 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को
किसका दलाल कहा गया दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया बताइए? अमेरिका को कहा गया, ब्रिटेन को कहा गया, कि रूस को कहा गया, कि जापान को कहा गया, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे? चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, जो दलाल क्या गया दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को दोस्तों जो दलाल कहा गया अमेरिका का कहा गया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर वाला स्टोरी एकदम बहुत ही अच्छा आंसर, एकदम आप लोग ऐसे रिस्पॉन्स बनाए रखो। चलिए एट नंबर क्वेश्चन के, जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है प्यारे दोस्तों? चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का जो नाम है वो दोस्तों संपूर्ण क्रांति है। क्या है? संपूर्ण क्रांति। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम ये सारा दोस्तों आप लोग तो बिल्कुल एकदम गर्दा गर्दा कर सकते हैं बतला करके। चलिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन क्या हुआ, पहले मैं आप लोगों को कई बार बता दे दोस्तों, या क्रैश कोर्स का वीडियो है, यहाँ पर भी आप लोगों को बताना क्योंकि आप लोगों को समझ सकते रिवाइज चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को रिवाइज एकदम कराना एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है, ताकि आप लोग को सारी बातें याद आ जाए। चलिए बहुत ही अच्छा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का दोस्तों गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1952 ईस्वी को, जो कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश जी दोस्तों मार्क्सवादी का पन है, यानी कि जयप्रकाश नारायण था दोस्तों मार्क्सवादी का पन है, बताइए जयप्रकाश नारायण था दोस्तों, ठीक है ना, मार्क्सवादी का पन है। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों 1924 ईस्वी में बने हुए, अरे इसी दिन दोस्तों लेनिन की मृत्यु हुई थी इसी साल, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी ध्यान में रखना, और जयप्रकाश नारायण दोस्तों मार्क्सवादी का बने तो 1924 ईस्वी को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत ही अच्छे प्यारे छात्रों, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए यार, मैं आपके साथ एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे, आप लोग दोस्तों एकदम मोहताज हो जाओगे, आप लोग दोस्तों सफलता पा गए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी सफलता मिलेगी, क्योंकि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से ही आएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को 5 मार्क्स भी दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग को आने वाले समय मैथ और दोस्तों फिजिक्स का दे रहा हूँ दोस्तों, आज से स्टार्ट कर दूँ केमिस्ट्री का भी दूंगा दोस्तों। तो आप लोग को कहता हूँ चैनल पर पहले बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलो भारत रत्न की उपाधि कब दी गई बताए दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिए गए प्यारे दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। चलिए बहुत ही अच्छा प्यारे दोस्तों, देखिए भारत रत्न की जो उपाधि मिली थी दोस्तों वो 1998 से मिली थी। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? 1998 से मिली थी, इसलिए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? देखिए दोस्तों जयप्रकाश यानी कि जेपी नारायण को लोग है दोस्तों किस नाम से जानते हैं, ये भी कह सकते हो बताइए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए देखिए जयप्रकाश नारायण के दोस्तों जो बात, जयप्रकाश नारायण का दोस्तों लोग कहते थे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? लोक नायक के नाम से, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। लोक नायक, लोक नायक ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चले मैंने अभी अपन लोग दोस्तों बताया लेनिन के मृत्यु का भी, आप लोग दोस्तों आर्ट्स में पढ़ो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर भी आप लोग को बताया लेनिन के जो मृत्यु हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। चले बहुत ही अच्छा, 1924 में हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 में हुई थी, इसीलिए इसका डी ऑप्शन जो दिया गया दोस्तों बिल्कुल आपका एकदम परफेक्ट आंसर सही उत्तर देंगे। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को भी शेयर कर देना, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों आपकी बेहतरीन रिजल्ट के लिए, तो आप लोग एक दोस्तों फर्ज बनता है आप लोग वीडियो को भी देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आज का क्लास 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण ने किस स्कूल में दाखिला लिया? चलिए बताइए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से हंसते हुए बताइए। चलिए बहुत ही ज्यादा पटना कॉलेजिएट में दोस्तों यही आई दोस्तों जयप्रकाश नारायण दोस्तों स्कूल में दोस्तों प्राथमिक दाखिला है दोस्तों स्कूल में प्रथम दाखिला वो दोस्तों पटना कॉलेजिएट। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे हिंदी में, हिंदी की वर्तमान स्थिति जो दोस्तों को सर्वोच्च दोस्तों पुरस्कार प्राप्त किया था वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वो कौन सा था तो दोस्तों बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। चलिए छात्र आंदोलन का इनका इसका तो सब लोग बता सकते एकदम बेहतरीन तरीके से, देखिए सब लोग सही उत्तर देना या इसका आप लोग गलती मत करना क्योंकि पहले यह क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग इसका वो याद कर रहे हो तो बिल्कुल बताइए।
चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, देखिए छात्र आंदोलन जो हुआ था 1974 में हुआ था, कितना है ये क्वेश्चन दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ गए एग्जाम में पाकर पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद कर लो। चलिए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है बताए, तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं बताए, अभी हमें अपने दोस्तों आप लोग को बताया एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम लाजवाब तरीके से, एकदम परफॉर्मेंस को भी खेल सकते हो। देखिए दोस्तों आप लोग रेगुलर क्लास करते हो लेकिन आप लोग कमेंट करना यार, क्योंकि आप लोग को देखते हैं दोस्तों कि आप लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट के रेगुलर करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास कीजिए, क्योंकि आप लोग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी स्टार्ट है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन स्टार्ट है, आप लोग मैं कह रहा हूँ दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के। चलिए बहुत अच्छा, जयप्रकाश नारायण राय जो कि लोकनायक के नाम से जाए। चलिए अभी अपने आप लोगों को दोस्तों बताया था कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। चलिए पहले से इसका आंसर है दोस्तों, देखिए 11 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों आप लोग ध्यान से रखना, 11 अक्टूबर, क्या दोस्तों 11 अक्टूबर, ठीक है याद हो गया, 1902 ईस्वी, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, मेरे प्यारे दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जेपी नारायण का जन्म हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था मेरे प्यारे लाल बताइए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, लीलावती देवी, अर्मावती देवी, प्रभावती देवी की प्रभावी सिन्हा बताइए, प्रभाव सिन्हा। चलिए 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 मेरे प्यारे लाल एकदम बहुत ही अच्छा, प्रभावती देवी, ठीक है ना, प्रभावती देवी दोस्तों किसकी पत्नी का नाम था, नारायण के, ठीक है, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन अभी आप लोग को दोस्तों बताया था, ठीक है ना, तो आप लोग बताइए रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी दोस्तों किसकी रचना है बताइए, रिट्रैक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी यार की यह दोस्तों रचना किसकी है, जवाहरलाल की, राम मनोहर लाल या की दोस्तों की मनोहर मदन मोहन मालवीय की दोस्तों जयप्रकाश नारायण। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों एकदम जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए किसने कहा था अभी ना जाने जनता को किसने मिलो दूर जाना है बताए दोस्तों, किसने कहा था अभी ना जनता को कितने मिलो दूर जाना बताइए, एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों हंसते हुए एकदम बतलाइए, एकदम दिल खुश होकर के बतलाइए, ठीक है ना, तो बतलाइए मेरे प्यारे दोस्तों, उदास होकर नहीं बताना, एकदम दिल से बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिए जवाहरलाल हो जाएंगे, चलिए हाँ बहुत ही अच्छा लाल, देखिए किसने कहा था अभी ना जाने इस जनता को दोस्तों कई मिल जाना है, यानी कि दोस्तों कहा थे जवाहरलाल नेहरू जी कहा थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे लाल द बहुत ही अच्छा। चलिए जयप्रकाश जी, ठीक है ना दोस्तों, जयप्रकाश जी को किसका दलाल दोस्तों, किसका दोस्तों भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, चलिए जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण, देखिए दोस्तों भाषण सुनकर, ठीक है ना बताइए किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने को प्रेरणा, जेपी नारायण को जो होता ना दोस्तों उत्प्रेरक का काम किए, कौन उत्प्रेरक का काम किया दोस्तों, उनको प्रेरणा किससे मिली। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छा, चलिए स्वामी सत्यदेव हो जाएंगे, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम जितना भी लगा हो उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है ना, जितना भी लगा दो उतना कम पड़ जाएगा, क्यों तो समझ सकते हो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी थे उनको दोस्तों भाषण सुनकर, जो भाषण सुनकर जो अमेरिका जाने की प्रेरणा मिले वो दोस्तों स्वामी सत्यदेव थे, क्यों थे स्वामी सत्यदेव दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से हंसते हंसते एकदम बी को टिक करके चलेगा, ओ मार्कशीट में अंकित कर देगा बी ऑप्शन। प्रेस के मालिक कौन है मेरे प्यारे लाल बताइए, प्रेस के मालिक कौन है बताइए, एकदम बेहतरीन तरीके से हंसते हुए एकदम बताइए, उदास होकर नहीं। चलिए फ्री प्रेस के जो मालिक थे दोस्तों सदानंद जी थे, बहुत ही अच्छा, देखिए फ्री प्रेस, ठीक है दोस्तों, फ्री प्रेस जो होता है उसके मालिक थे वो मेरे सदानंद जी थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, देखिए दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो किसे कहा जाता है बताइए, उमा शंकर दीक्षित को, शिला दीक्षित को, सुरेंद्र दोस्तों दीक्षित को, कि हद नारायण दीक्षित को बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा, देखिए उमा शंकर दीक्षित को कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों, ब्रेन ऑफ बॉम्बे, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए जयप्रकाश नारायण दोस्तों आईएससी की जो प्राइस परीक्षा कहाँ से पास की बताइए, जयप्रकाश नारायण तो दोस्तों आईएससी की, ठीक है, आईएससी की परीक्षा जो पास की वो कहाँ से की, एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए
पटना कॉलेज नहीं होगा दोस्तों, पटना हिंदू होगा नहीं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बिहार विद्यापीठ से कौन दोस्तों, जे पी नारायण दोस्तों आईएससी का दोस्तों जो परीक्षा होता है वो दोस्तों पास किए थे, कहाँ से, तो बिहार विद्यापीठ से। चलिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। बोले दोस्तों 74 में मुख्यमंत्री कौन है बिहार प्रदेश के, बताइए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बहुत ही अच्छा, अब्दुल गफूर थे, क्या थे, अब्दुल गफूर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को किसका पुरस्कार मिला था, बताइए। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सब लोग एकदम बेहतरीन हास्य से बताइए। चलिए मैक्सियस समान दोस्तों तो मिला था, लेकिन भारत रत्न मिला था, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों एकदम बहुत अच्छा, भारत रत्न जो मिला था दोस्तों ये भी आप लोग ध्यान रखें, 1998 से मिला था, आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम, ठीक है मेरे प्यारे लाल, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन चला है, बताइए। माई गॉड, डॉक्टर रामवान थे, क्या था दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान था, ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल एकदम याद रख सकते हो दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग को कंफ्यूजन के तौर पर नहीं लेना है। चलो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम लाजवाब आंसर आना चाहिए। संपूर्ण क्रांति वाला दोस्तों जो भाषण दिया गया था नारायण के द्वारा, ठीक है ना, जे पी नारायण का दोस्तों गांधी मैदान में दिया था, यह भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बताइए जे पी नारायण के दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, आप लोग बात को समझिएगा। चले बहुत है, जब 5 जून को आया था, 5 जून, चले बहुत है, 5 जून 1974 ईस्वी को। अगर देखे दोस्तों वीडियो पसंद है तो कोई कंजूसी नहीं कीजिए, वीडियो लाइक, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग दोस्तों सफलता पा सकते हो। तो आज का क्लास एकदम समझ सकते हो, तो एकदम 5 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में तैयार कर लोगे, तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम इजी वे में 12 शब्द का अनुप्रयोग, यानी कि एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करो, तो 5 मार्क्स आप लोगों को एकदम फ्री में दिया जाएगा। तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आज का क्लास 8 बजे जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।